माई की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री रुक्मिणी देवी द्वारिकाधीश की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, श्री महाविष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंद। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 22 के बारे में चर्चा करेंगे। स्कंद बीजो अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। मोबाइल में हो मोबाइल में तुम जो सकसो टू 322। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Yeah.
पत्राणि नानु रजतो हरेयो बराहिते ते नयने नराणा शब्दार्थ हमारा बच्चे बोलो बता बराहिते मोरना पीछानी जेम ते नयने आखो नराणा मनुष्योनी लिंगानी रूपो विष्णु हो पुरुषोत्तम भगवान नो न नहीं निरीक्षता ज्योता ये आवा भदा पादो पग नृणाम मनुष्योनो तव ते दे द्रुम जन्म वृक्षना उपजेला भाजो तेना जेवा क्षेत्राणि पवित्र स्थल न कदी नहीं अनुरजत पाचल जाए अरे हे भगवान यो जे अनुवाद तथा भावास लोकपात द्वारा लोकपात की जय। मारा पचा अनुवाद तथा बोलो पुरुषोत्तम भगवान विष्णुना प्रतीकात्मक अवतारो तेमना रूपो नाम गुण वगैरे तरफ जे आँखो ज्योति नती ते मोरना पीछा पर चित्रेली आँखो जेवी छे अने जे पग हरिना पवित्र स्थलो ज्या भगवान स्मरण थाय छे ते तरफ जता नती तेवा पग झाड़ना थड जेवा गणाय छे। अनुवाद सांभळो पुरुषोत्तम भगवान विष्णुना प्रतीकात्मक अवतारो तेमना रूपो ना गुण वगैरे तरत जे आँखो ज्योति नती ते मोरना पीछा पर चित्रेली आँखो जेवी छे अने जे पग हरिना पवित्र स्थळो ज्या भगवानु स्मरण थाय छे ते तरफ जता नती तेवा पग झाड़ना थड देवा गणाय छे। भावार्थ शांति थी सांभळो तरह मोटू भावार्थ छे पण बधा सांभळो शांति थी। विशेषता गृहस्थ भक्तों माटे श्री विग्रह की अर्चना ना मार्ग की सख्त भलामण करवामां आवी छे। शक्य होय तो गुरु की गौरवणी प्रमाणे दरेक गृहस्थे पोताना घर में विष्णु स्वरूप की स्थापना करवी जोईए। जेम के खास तो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीताराम वगैरह की प्रतिमाओ अथवा भगवान नाम स्वरूप जेवा के नृसिंह वरा गौर निताई मत्स्य कुर्म शाल ग्राम शिला અને વિષ્ણુના વિવિધ સ્વરૂપો જેમ કે ત્રિવિક્રમ કેશવ અચ્યુત વાસુદેવ નારાયણ દામોદર વગેરે તેમની ભલામણ વૈષ્ણવ તંત્રો અને પુરાણોમાં થયેલી છે અને અર્ચના વિધિના સૂચના અને નિયમોનું ચુસ્તપણે અનુસરીને ગૃહસ્થે સપરિવાર તેમનું પૂજન કરવું જોઈએ। પરિવારનો જે સભ્ય 12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય તેને સદગુરુ પાસે દીક્ષા લેવડાવવી જોઈએ અને કુટુંબના સર્વ સભ્યોએ ભગવાનની સેવામાં દરરોજ સવારના 4 વાગ્યાથી રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી મંગળારતી નિરંજન અર્ચન પૂજા કીર્તન શૃંગાર ભોગ વૈકાલિક સંધ્યા આરતી પાઠ ભોગ રાત્રે શયન આરતી વગેરે કરીને નિત્ય મગ્ન રહેવું જોઈએ। આધ્યાત્મિક ગુરુની દોરવણી પ્રમાણે આવી પૂજામાં મગ્ન રહેનારા ગ્રસ્તને તેમનું જીવન શુદ્ધ કરવામાં અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિના માર્ગે ઝડપી પ્રગતિ સાધવામાં ઘણી મદદ થશે। આધ્યાત્મિક ગુરુની દોરવણી પ્રમાણે આવી પૂજામાં મગ્ન રહેનારા ગ્રસ્તને તેમનું જીવન શુદ્ધ કરવામાં અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્તિના માર્ગે ઝડપી પ્રગતિ સાધવામાં ઘણી મદદ થશે। નવોદિત ભક્ત માટે માત્ર સૈદ્ધાંતિક પુસ્તકીય જ્ઞાન પૂરતું હોતું નથી,
नवोदित गुप्त माटे मात्र सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान पूरतु होतु नथी। पुस्तकनु ज्ञान सैद्धांतिक छे त्यारे अर्चना मार्ग व्यवहारु छे। सैद्धांतिक अने व्यवहारिक ज्ञानना समिश्रण वडे आध्यात्मिक ज्ञान विकसवावु जोईए अने ए आध्यात्मिक पूर्णत्व प्राप्त करवानो श्रद्धेय मार्ग छे। नवोदित भक्तना भक्ति में सेवाना शिक्षणनो आधार पूरी रीते निष्णात सद्गुरु पर अवलंबे छे। तेना शिष्य ने धीरे धीरे भगवान पासे पाचा निज धाम में जवाना मार्गे केवी रीते दोरी जवो ते जाणे छे। कोई पुरुषे पोताना परिवार नो खर्च निभावा धंधा तरीके नकली गुरु थईने बेसवू जोईए नहीं। कोई पुरुषे पोताना परिवार नो खर्च निभावा धंधा तरीके नकली गुरु थईने बेसवू जोईए नहीं। परंतु शिष्य ने तेना माथे तोळाई रहेला मृत्युना पंजामांथी उगारी शके एवा समर्थ गुरु थवू जोईए। श्रील विश्वनाथ चतुर ठाकुरे सद्गुरुनी साची योग्यतानुं वर्णन कर्युं छे અને તે વર્ણનોમાંનો એક શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે। શ્રી વિગ્રહ આરાધન નિત્ય નારા શૃંગાર તમ મંદિર માર્જનાં યુક્તસ ભક્તાંસ નિજ યુક્ત ઓપિ વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ। શ્રી વિગ્રહ એ અર્ચા તથા શ્રી ભગવાનનું પૂજા યોગ્ય સ્વરૂપ છે અને શિષ્ય નિત્ય શૃંગાર એટલે યોગ્ય વસ્ત્રાલંકાર વડે શૃંગારવું તેમજ મંદિર માર્જન એટલે મંદિરમાં સફાઈ કરવામાં પરોવાયેલા રહી વિગ્રહના પૂજનમાં તન્મય રહેવું જોઈએ। સદગુરુ તેના શિષ્યને આ બધું કરુણાપૂર્વક જાતે જ શીખવે સમજાવે છે અને તેને ક્રમે ક્રમે ભગવાનના દિવ્ય નામ ગુણ સ્વરૂપ આદિ સમજવામાં મદદ કરે છે। ભગવાનની સેવામાં ખાસ તો સંગીતમય કીર્તન અને ધર્મશાસ્ત્રોના આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાથે શૃંગાર કરવામાં અને મંદિરને સુશોભિત કરવામાં પરોવાયેલો ચિત્ત જ સામાન્ય માણસને નરક તુલ્ય સિનેમાના આકર્ષણથી અને રેડિયો વડે સર્વત્ર પ્રસારિત થતા ખરાબ જાતીયવાદી પ્રચુર એવા ગીતોથી બચાવે છે। બહુ સુંદર છે। ભગવાનની સેવામાં ખાસ તો સંગીતમય કીર્તન અને ધર્મશાસ્ત્રોના આધ્યાત્મિક ઉપદેશ સાથે શૃંગાર કરવામાં અને મંદિરને સુશોભિત કરવામાં પરોવાયેલું ચિત્ત જ સામાન્ય માણસને નરક તુલ્ય સિનેમાના આકર્ષણથી અને રેડિયો વડે સર્વત્ર પ્રસારિત થતા ખરાબ જાતીયતાથી પ્રચુર એવા ગીતોથી બચાવે છે। જે મનુષ્ય પોતાના ઘરે મંદિરની જોગવાઈ ના કરી શકે તો તેણે જ્યાં નિત્ય ઉપરયુક્ત વિધિપૂર્વક સેવા પૂજા થતી હોય એવા બીજાના મંદિરમાં જવું જોઈએ। મંદિરે જઈ સુશોભિત અને પવિત્ર એવા મંદિરમાંની સુંદર વસ્ત્રાલંકારથી વિભૂષિત મૂર્તિના દર્શન કરવાથી ભક્તનું દુનિયાવી મન સ્વાભાવિક રીતે જ આધ્યાત્મિક પ્રેરણાથી ભરાઈ જાય છે। જ્યાં આવા મંદિરો અને મૂર્તિ પૂજાની વિશિષ્ટ રીતે જોગવાઈ થાય છે એવા વૃંદાવન જેવા પવિત્ર સ્થળોની યાત્રાએ મનુષ્ય જવું જોઈએ। પહેલાના વખતમાં રાજાએ અને શ્રીમંત વેપારીઓ જેવા સમૃદ્ધિશાળી મનુષ્ય છ ગોસ્વામી જેવા ભગવાનના નિષ્ણાત ભક્તોની દોરવણી નીચે આવા મંદિરોનું નિર્માણ કરતા મહાભક્તોના પગલે ચાલીને અનુરજ સામાન્ય મનુષ્યની ફરજ છે કે આવા મંદિરોની અને પવિત્ર યાત્રોધામોમાં ઉજવાતા ઉત્સવનો લાભ લેવો। દર્શનીય સ્થળો જોવાની મનોવૃત્તિથી આવા પવિત્ર ધામો અને મંદિરોમાં જવું ન જોઈએ। દર્શનીય સ્થળો જોવાની મનોવૃત્તિથી આવા પવિત્ર ધામો અને મંદિરોમાં જવું ન જોઈએ। પરંતુ ભગવાનની દિવ્ય લીલા વડે અજરામર થયેલા આવા પવિત્ર તીર્થધામોમાં અને મંદિરોમાં શાસ્ત્રના જાણકાર એવા યોગ્ય પુરુષના માર્ગદર્શન હેઠળ જવું જોઈએ। આને અનુરજ કહે છે। અનુ એટલે અનુસરવું માટે મંદિરો અને પવિત્ર તીર્થધામોની યાત્રા કરવામાં પણ સદ્ગુરુના ઉદ્દેશને અનુસરવું જોઈએ। આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે। માટે મંદિરો અને પવિત્ર તીર્થધામોની યાત્રા કરવામાં પણ સદ્ગુરુના ઉદ્દેશને અનુસરવું જોઈએ। જે મનુષ્ય આ રીતે ચાલતો નથી તે હલન ચલવા માટે અશક્ત ભગવાન વડે અભિશપ્ત એવા સ્થિરપણે ઉભે રહેલા
वृक्ष जेवा छे। सुंदर स्थलों जोवाना इरादा पूर्वक करेला प्रवास थी मनुष्य नी हरवा फरवानी वृत्ति नो दुरुपयोग थाय छे। सुंदर स्थलों जोवाना इरादा पूर्वक करेला प्रवास थी मनुष्य नी हरवा फरवानी वृत्ति नो दुरुपयोग थाय छे। महान आचार्यो ए स्थापित करेला तीर्थधामोनी यात्रा करवाथी आवी हरवा फरवानी मनोवृत्ति नो हेतु उत्तम रीते पार पड़े छे। અને તે દ્વારા જેમને આધ્યાત્મિક બાબતોનું કશું જ્ઞાન નથી એવા પૈસા બનાવનાર મનુષ્યોના નાસ્તિક પ્રચારથી ગેરમાર્ગે જવાથી બચી જવાય છે। અને તે દ્વારા જેમને આધ્યાત્મિક બાબતોનું કશું જ્ઞાન નથી એવા પૈસા બનાવનાર મનુષ્યોના નાસ્તિક પ્રચારથી ગેરમાર્ગે જવાથી બચી જવાય છે। જય શ્રી પ્રભુપાદ દિવ્ય ભાવાર્થી જય। ओम अज्ञान चक्षुर्मीतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग का यहाँ पे स्वागत है। मैं हिंदी में प्रयास करूंगा क्योंकि कुछ भक्त हमारे यहाँ पे हिंदी भाषी बैठे हैं। तो आप सभी का आज का जो संडे का चर्चा सत्र है इसमें आप सभी का स्वागत है। और हम आज का जो विषय चुना है वो विषय है कि भगवान का अर्चरण। हम लोग भगवान की जो अर्चा पूजा करते हैं अभी हमारे हिंदुओं में ऐसा हो गया कि हमने क्या बोलते हैं उसको फॉर्मेलिटी करके स्वीकार किया। जैसे अभी आप देखते हैं कि सब जगह पे गणेश उत्सव चल रहा है, एक भी ऐसी सोसाइटी बाकी नहीं जहां पे गणेश उत्सव नहीं हो रहे। लेकिन जो गणेश उत्सव शुरू करने का जो उद्देश्य था वो अभी बाजू में रह गया हुआ है। हमारे हिंदू तथाकथित हम सभी सण उत्सव जो मनाते हैं वो मनोरंजन का साधन हो गया। फिल्मी सॉन्ग्स अथवा आप बहुत सारे जगह के देख सकते हैं कि पंडाल जो रहता है गणपति का गणेश जी का अथवा कोई भी उसके पीछे में रात को कुछ लोग जुगाड़ भी खेलते रहते हैं। हमने ये सब देखा हुआ है आंखों से। तो इतना हद तक हमारे हमारे जो वैदिक संस्कृति का पतन हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आज का जो हमने श्लोक लिया 4:3-3:22 दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 22 और ये भावार्थ हमारे प्रभुपाद स्वामी लिखा है जो यहाँ पे विराजमान है। उन्होंने अपनी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति विदेश में जाके प्रचार किया। जो काले गोरे मुस्लिम क्रिश्चियन सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को कृष्ण भक्ति तरफ आकर्षित किया। रशिया चाइना जापान सभी जगह पे हमारे मंदिर है और ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर में वहां पे भगवान के सुंदर विग्रह है और उस विग्रह की बहुत सुबह से लेके रात तक पूजा होती है। आज हमने बाबा से पढ़ा सुबह कितने बजे चालू होती है पूजा, सुबह 4 बजे से और रात को 10 बजे तक चलती है। 4:30 बजे हमारी मंगला आरती रहती है। आप कहां भी जाइए दुनिया के कोने में कितनी भी गर्मी हो और कितनी भी ठंडी हो -40 डिग्री तापमान रहेगा तो भी वहां पे सुबह 4:30 बजे का फिक्स टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का मंगला आरती। ये सब श्रेय किसको जाता है, हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद स्वामी। उन्होंने अपने वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत किया और आज हमारे नई पीढ़ी जो गैर मार्ग पर जा रहे उनको इस तरफ उन्होंने टर्न किया, घुमा लिया। क्योंकि पहला उन्होंने विदेश में जाके प्रचार किया और विदेशी इतने भक्त बने कि उनको देख के हम लोग भक्त बने। हम लोग डायरेक्ट भक्त नहीं बनते, हम विदेशी को देखते थे भक्त बनना चाहते हैं ना। तो ये सभी श्रेय प्रभुपाद को जाता है। तो इसमें आज के जो श्लोक है उसके ऊपर किसके पर जोर दिया है कि भगवान की अर्चा पूजा। जो भगवान की नवविध भक्ति है नौ प्रकार की श्रवणम कीर्तनम उसमें अर्चा भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अर्चा का हम लोग अर्थ खाली ही नहीं लेना चाहिए कि पूजा पाठ
प्रभुपाद सुंदर बता रहे अर्चा का अर्थ है कि कॉन्स्टेंट चैंटिंग प्रेयर एंड डेटी वर्शिप, सतत हमको भगवान का नाम लेना है, प्रार्थना करनी है और अच्छी तरह उनकी पूजा अर्चा करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में देखना, बहुत सारे घर में आप जाएंगे तो भगवान का जो पूजा पाठ का रहेगा मकान रूम, वो किधर कोने में रहेगा, अंदर के साइड में, और वो छोटा रहेगा। हमारा जो हॉल है वो बड़ा रहेगा। लेकिन अगर हमारे इस्कॉन के भक्तों के घर पे जाइए तो जो मेन हॉल है जहाँ पे मेहमान बैठते हैं उधर भगवान की स्थापना करते हैं सभी भक्तों में। क्यों? क्योंकि हमारे घर में मुख्य जो व्यक्ति है वो कृष्ण है अथवा विष्णु है, अथवा जो आज बहुत सारे नाम लिया, सीताराम, लक्ष्मी, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, लक्ष्मी नारायण, गौर निताई, ये मुख्य स्थान होने चाहिए। लेकिन नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि हम धीरे 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 नास्तिकवाद तरफ जा रहे हैं। हमारा धर्म खाली साल में एक बार गणेश उत्सव मनाने के लिए करते हैं, साल में एक बार नवरात्रि उत्सव करते हैं, हम लोग सभी साल में एक 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 बार सभी चीजें देखती है। लेकिन भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया, कि रोज सेवा होनी चाहिए। हवेली संप्रदाय में देखिए सुंदर भगवान की सेवा होती है, वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर उच्च कोटि की पूजा अर्चा दी है, भगवान वहां पे भगवान के महा स्वरूप की पूजा होती है, सुंदर भोग लगाए जाते हैं और वो मनोकामना मनोभाव से उनको अर्पित किया जाता है। तो आप देखते हैं कि आज समाज में नास्तिकवाद बढ़ रहा है, तो मूल तीन प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि हमको जो इतिहास है वो गलत इतिहास सिखाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे वैदिक संस्कृति को पूरा तोड़ फोड़ दिया और उन्होंने जो हम पूजा अर्चा करते उसको नाम दिया इंग्लिश में आइडियल वर्शिप। क्या आइडियल का इंग्लिश में अर्थ होता है, हिंदी में पुतला पूजा, वो नहीं है, विग्रह है। हमारा ये शरीर है और शरीर का तो जो सड़ता है उसको शरीर कहा जाता है। हमारे शरीर में 6 विकार है, शरीर उत्पन्न होता है, उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, उससे दूसरे अपत्य उत्पन्न होते हैं, फिर वो ड्विंडलिंग शरीर बुढ़ा होता है तो वो हिलना चालू हो जाता है, वृद्धावस्था आती है और बाद में मृत्यु। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान का क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का है भगवान के जो स्वरूप है उसमें 3 गुण है, सत चित आनंद, सत मीन्स इटरनल सनातन। हम लोग आज है कल नहीं होंगे, कोई निश्चित ही नहीं। यहाँ पे भगवद गीता भगवान ने कहा है ये जगत क्या है, अशाश्वतम दुखालय, यहाँ पे कोई बात की निश्चित ही नहीं है, एक क्षण की भी नहीं है। अभी हमने कल ही कुछ सुना ना आपने, अचानक विजय रूपाणी को राजीनामा देना पड़ा, क्या सपने भी नहीं किसने सोचा था, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा। ये बहुत ही जगत का है, हम कितने प्लानिंग करें अचानक वो क्या होता है पता नहीं। पराभवस्था हुआ यहाँ पे, कितना ही प्रयत्न करो यहाँ पे पराभव। हमारे गुरु भाई है, उनका नाम है नयन प्रिय कृष्णदास, उन्होंने हमारे गुरु महाराज को बहुत सुंदर शब्द दिया था इंग्लिश में वर्ड, क्या वर्ड की फुल फॉर्म से स्पेलिंग को बताएगा, WORLD, और उन्होंने फुल फॉर्म का बताया था महाराज जी को, हमारे गुरु महाराज को। आप इंग्लिश में वर्ल्ड मीन्स क्या, पूर्ण जगत। तो वर्ल्ड की विशेषता क्या है, WORLD। तो पहला W उसका शब्द दिया है वॉक, O का शब्द दिया है और, R का शब्द दिया है रन, L का शब्द दिया है लूज, एंड D का अर्थ क्या है, डेफिनेटली।
ये जगत कैसा है, इंग्लिश में कहते हैं वॉक और रन लूज डेफिनेटली। आप चलो अथवा दौड़ो, समझा देवन? इतना ये दौड़ता बहुत है, मन से ज्यादा दौड़ता है, तो जितना चलता है उसे स्पीड से मन से दौड़ता है। तो चलना अथवा दौड़ो आप, वॉक और रन लूज डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए हर एक चीज बदलती है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसलिए सचित आनंद जो सच शब्द है वो सनातन शब्द के लिए वापरा। चित का अर्थ क्या है? भगवान संपूर्ण ज्ञान धराते हैं, उनको सभी चीज का ज्ञान है। हमको कोई विषय के बारे में, कोई परिस्थिति के बारे में, कोई जगह के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में कुछ ज्ञान हो सकता है, किसी को ज्यादा होगा, किसको ज्यादा होगा, कम होगा। लेकिन इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको संपूर्ण ज्ञान है, और वो एक ही है, अखिल ब्रह्मांड के नायक त्रिभंग मूर्ति श्री कृष्ण भगवान। तो सत आ गया, चीत आ गया, और लास्ट में क्या, आनंद। आनंद और सुख में फर्क का ध्यान रखना। सुख तात्पूर्ति चीज के लिए वापरते हैं, आनंद हृदय से मिलता है। सुख भौतिक उपभोग में प्राप्त करते हैं, वो जो तकलादु रहते हैं, तात्पूर्ता रहते हैं, लेकिन आनंद हमको हृदय में स्पूर्ण त्याग करता है। तो भगवान का विग्रह कैसा है? सचित सचिदानंद। हमारा ऐसा नहीं है। तो लोग आर्गुमेंट करते हैं कि ये तो आइडियल वर्शिप है, ये ब्रिटिश लोगों ने हमको शब्द दिया। नहीं, भगवान की प्रांतरिष्ठा होती है। आप रूपा स्वामी ने सुंदर उदाहरण दिया। रूपा स्वामी बताते हैं कि जूने जमाने अभी सब चला गया, क्योंकि अभी व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक का जमाना आया, लेकिन जूने जमाने में हम पत्र लिखते थे, तो पत्र हम किस में डालते थे? पत्र की क्या थी? पेटी थी, पोस्ट बॉक्स बोलते थे उसको। और उसमें भी दो प्रकार थे, आपको लोकल लेवल पे भेजना है तो अलग कलर था, बाहर भेजना तो अलग कलर था। तो आप जब आपका पत्र वो पोस्ट ऑफिस की जो पेटी है उस पर डालेंगे, तो आपने जिसके नाम के पे जो लेटर पत्र लिखा है वो पहुंच जाएगा। लेकिन वही पत्र अगर आप कोई भी रास्ते में कोई पेटी पड़ी उस पर डालेंगे तो क्या होगा? पहुंचेगा देवल? और तेरा मारा है, ध्यान रखना, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो कोई भी आयरा गहरा, कोई भी मूर्ति लेके आके आप भगवान की पूजा करके, तो भगवान वहां पे नहीं रहते। गुरु साधु शास्त्र द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा जो शुद्ध भक्त है उनके द्वारा भगवान को स्थापित किया जाता है। भगवान को जो दिव्य प्राण है उसको बुलाया जाता है। हमारे शास्त्रों में सभी वर्णन किया हुआ है। जयपुर में खास करके मूर्तियां ज्यादा कुछ जयपुर में बनती है। खजांजी का रास्ता पूरा गलिया मूर्ति का है। अब जयपुर में इस्कॉन की सभी मूर्तियां उधर से ही आती है, और वो खजांजी के रास्ते में पांडे जी तो बहुत फेमस है। आप जाके देख लेना, उनकी अभी तीसरी की चौथी पीढ़ी चल रही है। तो बताएंगे कि किस तरह वो मार्बल जो रहते हैं वो भी विशेष मार्बल रहते हैं। कोई भी मार्बल नहीं, ये भी मार्बल है। ये जो भगवान के मूर्ति में जो मार्बल लगता है उस मार्बल का नाम है सेरेने। और सेरेने शब्द सिंसेरे में से आए। देखिए सिंसेर शब्द एक बीच में क्या है, गंभीर प्रामाणिक, मैं सिंसियर हूं करके। अयोगा देखिए वो मार्बल का जो भाग है उसका नाम भी क्या है, सिंसेरे। और कैसा होना चाहिए वो लोग जानते हैं कि उसमें जरा छोकरा में शांति रखो। तो ये मार्बल की विशेषता क्या रहती है, वही मार्बल को सिलेक्ट किया जाता है कि जो मार्बल
जब मूर्ति का काम चलता है उसके अंदर एक भी छिद्र नहीं होना चाहिए, एक भी छिद्र नहीं होना चाहिए, एक भी होल नहीं होना चाहिए। वो जानकार लोग रहते हैं, वही वो सब बचत बताते हैं कि ये मार्ग बन होते। तो हर एक वस्तु हमारे शास्त्र में कहा है। तो जिस तरह आप अधिकृत पोस्ट पेटी में अगर आपका पत्र डालते तो उस व्यक्ति के पहुंच जाएगा, उसी तरह भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा स्थापित के विग्रह को अगर आप प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो डेफिनेट हमारी प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। कोई भी अहरे गहरे रास्ते पे आके कोई मूर्ति स्थापन किया उधर भगवान का महसूस नहीं कर सकते। भगवान की जो पूजा अर्चा है वो कोई शो का भाग नहीं है, वो फीलिंग का भाग है, भावना। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भावना के भूखे है भगवान। वो भावना के भूखे थे इसलिए उन्हें शबरी के हाथ के क्या खाया, झूठे बोल। और विदुर जी के पत्नी के हाथ से क्या खाया, केला का छिलका। केला नहीं, केला वो इतनी भाव ऊपर हो गई थी विदुर जी की पत्नी की, वो केला फेंक रही थी और विदुर भगवान को क्या दे रही थी, केला का छिलका, और भगवान ने खा लिया। भगवान भावना के भूखे, वही अक्षय पात्र पूरा खाली हो गया था। तो द्रौपदी को बोले कि भाई देख कुछ तो होगा, अरे एक कुछ दाना का मन मिला हमको, अनाज का एक कण मिला, वो भगवान ने ले लिया। और वहां पे दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर रहे थे, सब लोग क्या करने लगे, धकार देने लगे एक साथ, और वो आई नहीं खाने के लिए। खाली भगवान भावना के भूखे हैं। जैसे अगर हमारे पास, मेरे पास 500 की नोट है और मैं नोट को आपके सामने फाड़ डालू सट करके, तो आप तुरंत बोले अरे क्या क्या पूछे, आपको आपको किसी को क्रोध आएगा, किसी को आश्चर्य होगा ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी करके। लेकिन मैं थोड़े समय के बाद बताऊ आपको कि ये जो नोट थी वो नकली थी। वो नोट क्या थी, नकली थी, तो आप रिलैक्स हो जाए। तो जो मैंने 500 की नोट फाड़ी होगा नकली है तो ठीक है, और असली किसको कहते हैं उसके ऊपर गवर्नर लिखा है आई प्रॉमिस आई गिव यू 500 रुपीस। आरबीआई की गवर्नर की सिग्नेचर है वो अधिकृत है। उसी तरह गुरु परंपरा से जो मूर्ति की जहां पे स्थापना होती अपने मन के तुक्के द्वारा नहीं, आज के श्लोक में हमने देखा दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 22 हम बार बार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे गुरु के आज्ञा अनुसार, मैंने दो बार रिपीट किया पढ़ा मैंने, हमको पसंद है इसलिए नहीं करना है। और हमने अनुभव किया राजकोट में, हमारे गुरु भाई ने गुरुदेव की आज्ञा विरुद्ध भगवान को लेके आए और आने के बाद भी बताया नहीं, क्योंकि हमारे क्या भक्ति, हमको पसंद है तो भक्ति करना चाहते, ये नहीं चलते। और थोड़े महीने के बाद क्या हो गया, वो जो विग्रह हो गए वो भंग हो गए, बहुत बड़ा अपराध है ध्यान रखना। मैं सुबह ही बता रहा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे एक जगह पे कि आप प्रणाति कर रहे हैं, आप 16 माला जाप कर रहे हैं, आप शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, आप सेवा भी कर रहे हैं, आप भक्तों का संग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उतना होने के बाद भी आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो मूल कारण उन्होंने बताया है कि आपने आपके वरिष्ठ अथवा गुरुदेव के प्रति अपराध किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर छाती टोक के बता रहे। तो ये जो भगवान की मूर्ति है ये कोई ऐसी कोई एरी गरी बात नहीं है।
आज जब शुद्ध भक्त स्थापना करते हैं तो वहाँ पे नैसर्गिक लोग खींचे जाते हैं। आपके सामने ये श्री श्री राधानी माधव जो स्वरूप है उनका बहुत बड़ा इतिहास है। जब भगवान आए पहली बार शायद घनश्याम बाप थे वो टाइम पे, और जो भगवान को भगवान के पैर जहाँ पे है चरण कमल उसके नीचे चौकोनी भाग है स्क्वायर, उसको बेस बोलते नीचे, तो थोड़ा स्लाइटली वो ट्रांसपोर्ट पे स्लाइटली निकल गया था, इतना नख का ऊपर का भाग जितना निकल गया था। हमारे गुरु ने देखा बोले वैष्णव, वो ड्राइवर को बोला जल्दी जल्दी करके चलो वापिस, मूर्ति बराबर नहीं है। तो मैं ड्राइवर को ढूंढा था, ड्राइवर पहले से गायब हो गया था, वो चुप हो गया था। फिर हमारे गुरु महाराज बोले नहीं नहीं भगवान आए विराजमान होने को आए हैं, बस उनकी पूजा अर्चना चालू करो। और देखिए आप कैसे ये मंदिर को आकार लिया, स्वरूप लिया। तो जब शुद्ध भक्त द्वारा स्थापित होते हैं तो हमको चिंता नहीं करनी है, वो विकास डेफिनेट है। हमारे खुद रूपनाथ स्वामी बचपन से उनको अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे, उनको पिता श्री गोर मोहन डे उनके पिताजी का नाम, उनका कपड़े का व्यापार था, लेकिन कपड़े का व्यापार का धंधा कम करते थे और भगवान की पूजा अर्चना ज्यादा उनका समय जाता था। तो प्रभुपाद जी जब उनके पिताजी रात को घर पे आते थे, प्रभुपाद को प्रभुपाद सोए रहते थे, उनके पिताजी आने के बाद स्नान करके पहला भगवान की आरती करते थे, जैसे ही आरती करते थे घंटी बजती थी प्रभुपाद उठ जाते, छोटे थे। और प्रभुपाद जी ने उनसे राधा कृष्ण मांग लिया, उन्होंने राधा कृष्ण छोटे विग्रह ला के दिया, प्रभुपाद पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रभुपाद जहाँ रहते थे कलकत्ता में उसके बाजू में राधा गोविंद जी का मंदिर था, प्रभुपाद छोटे थे, प्रभुपाद उनकी बहन रोज वहां पे जाके सेवा करते थे, बचपन से उनको ये आकर्षण था। फिर बाद में जब प्रभुपाद कॉलेज में गए तो ऐसा हुआ कि प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद स्वामी गांधी जी की मूवमेंट, क्या नाम था याद है आपको, असहकार आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि ब्रिटिश के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही थी, तो प्रभुपाद उससे आकर्षित हो गए, कॉलेज में एकदम एक्टिव पार्ट लिया उन्होंने। और उस समय में उन्होंने अपने जो राधा कृष्ण की मूर्ति थी उसको कपाट में रख दिया था, क्योंकि वो नहीं रहा था, दूसरा आकर्षण बढ़ गया था। तो एक दिन उनके सपने में आए वो विग्रह और बोले, उनका नाम था प्रभुपाद का घर का नाम अभय चरण अरविंद, अभय चरण डे, कि अभय तू क्या कर रहा है करके, कितने दिनों से हमारी सेवा बंद है, हम चाहते हैं कि आप हमारी सेवा करें। और तुरंत ही प्रभुपाद जी ने वो खोल दिया कपाट और वापस उन्हें पूजा अर्चना चालू की। और आप देखते हैं कि वही प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 800 के ऊपर मंदिर, 800 के ऊपर। और हम गर्व से बताते हैं सबको कि हमारा पाकिस्तान में लाहौर कराची पेशावर में मंदिर है, पाकिस्तान में मंदिर है, विचार करो। और चलाने वाले कौन है, मुस्लिम से, कितने मुस्लिम क्रिश्चियन, कोई धर्म नहीं बदला, ध्यान रखना, ये धर्म बदलने की बात नहीं है। सही धर्म किसको बोलते हैं कि जिससे हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि आप लोग धर्म बदलो, प्रभुपाद ने यही कहा अगर आपको किसी चीज की कमी पड़ रही है तो आप हमारे शास्त्र भगवद गीता भागवतम उसका अभ्यास करो। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको हिंदू बनाने पाया, लेकिन आप देख लीजिए खाली आप लिखेंगे कि इस्कॉन कुछ भी लिख दीजिए, इस्कॉन चाइना, इस्कॉन रशिया, इस्कॉन यूक्रेन, आप लिख दीजिए यूट्यूब पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे
कितने वीडियोज आएंगे और कितने सुंदरता से वो लोग सुंदरा भगवान का ड्रेसिंग और सभी वो अपने से बढ़िया कर रहे हैं। सभी माताएं वहां पे बहनों लेडीज साड़ी पहनती है, चोटी रखने लगी है, अपने सभी भारतीय शास्त्र भारतीय संगीत भारतीय नृत्य सीख रहे हैं। ये सभी श्रेय किसको जाता है? प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद जो सब कुछ कर पाए क्योंकि पहले से प्रभुपाद जी को अर्चा विग्रह प्रति प्रेम था। जो जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी है के जगन्नाथ जी है जो हमारे सामने विराजमान है, हाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा चालू करने का श्रेय किसको जाता है? प्रभुपाद को। तो ये अर्चा विग्रह को हम सर्वसाधारण चीज नहीं समझना चाहिए। दूसरा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, वो लोग बोलते कि हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनकी भी मूर्ति पूजा है अलग स्वरूप में। वो लोग पुराण की पूजा करते हैं पुस्तक स्वरूप में, बाइबल की पूजा की जाती है, क्रिश्चियन लोग में होली क्रॉस उसकी पूजा होती है। तो पूजा किसकी तो कर ही रहे, लेकिन अपने शास्त्रों में भगवान के बारे में विस्तृत वर्णन है। कोई ऐसा हवा में से वर्णन नहीं किया है, कल्पना नहीं है। नाना शास्त्र विचार है ना, ये सब यहाँ पे फोटो आपको देखेंगे अंदर, फोटो है सभी गुरुओं के, उन्होंने विचार करके करके ये सब हमको सार निकाल के दिया है। कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे पंचरात्रि का विधि को अभी प्रैक्टिकल अभी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। दूसरा प्रभुपाद का मैं प्रसंग कहना चाहूंगा कि अर्चा विग्रह कितने पावरफुल है, और ऐसे बहुत सारे हैं, स्टॉक है, अपने पास समय नहीं है कि ये हम बोलते कि मूर्ति बोलती नहीं है। कितनी ऐसे उदाहरण है जहां पे हम देखते साक्षी गोपाल, फिर खीर चोर गोपीनाथ, भगवान ने उनके प्रिय भक्त महाजेंद्र पुरी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भगवान ने खीर की चोरी की भगवान ने अपने भक्तों के लिए। अरे ज्यादा नहीं 500-600 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं समय हुआ। कौन ऐसे भगवान है जिसको चोर कहने के बाद भी पूजा होती है? हम उसको माकन चोर भी बोलते हैं, चित चोर भी बोलते हैं, क्योंकि चित चोर हमारा हृदय चित्त को चोरी कर लेते हैं। उनकी विशेषता है खीर चोर गोपीनाथ, साक्षी गोपाल, दो ब्राह्मण में बात, दो ब्राह्मणों की बात थी, एक वृद्ध ब्राह्मण था और एक यंग ब्राह्मण था। मैं स्टोरी पूरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन साक्षात भगवान मूर्ति स्वरूप में साक्षी देने के लिए हाजिर हो गए थे। साक्षी गोपाल मंदिर है आज, और साक्षी गोपाल रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जो आप राधा रमन की बहुत सुंदर मूर्तियां देखते हैं। जीव भट्ट गोस्वामी ने स्थापना की है, वो साक्षात भगवान ही है, स्वरूप है, कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। वृंदावन में सबसे आकर्षक क्या गुजराती बोल सो नमनास, बहुत आकर्षक, आप जाएंगे तो इतनी छोटी मूर्ति है स्वरूप, लेकिन हरेक भगवान के अंग पूर्ण आकर्षक है। क्या उनकी विशेषता? ओ भगवान इस प्रार्थना की कि तो पहले शालिग्राम में थी कि मैं पूजा अर्चा कैसे कर सकता हूं, आपको ड्रेस नहीं पहना पा रहा हूं, तो शालिग्राम में थी, शालिग्राम, और वो शालिग्राम में डायरेक्ट मूर्ति प्रकट हो गई। ऐसे अगणित है, हम कितने लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मदन वृंदा में जाएंगे मदन गोपाल मंदिर, जितने सात जो मुख्य है, बाकी बिहारी
उनके सात मुख्य मंदिर है, सभी साक्षात कृष्ण है। उसको इतिहास करके नहीं देखना है, वो सनातन है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त द्वारा स्थापित है। वही स्थान श्री श्री राधा की माधव धाम का, क्योंकि शुद्ध भक्त द्वारा स्थापित है। जब हमारे गुरु महाराज 16 नवंबर 2009 लास्ट डी विदर थे, 92 ईयर्स ओल्ड, 90+2, आखिर तक खुद का कपड़ा खुद धो रहे थे। इनके शिष्य प्रभुपाद स्वामी के शिष्य, बाजू में उनकी समाधि है पीछे, खुद का रसोई खुद कर रहे थे। ये परेश भाई की मुलाकात बहुत बार हुई है द्वारका में। अभी थोड़े समय में पोरबंदर में इसका का मंदिर बनने जा रहे हैं, कार्य श्रेय हमारे कपिल प्रभु, अर्जुन और परेश उनका लड़का किशन, किधर किशन किधर है, किशन को गुरुकुल खोलना है, प्रार्थना करो भी हो जाएगा। तो पोरबंदर में अभी सेंटर खुलने में जा रहा है, खुला ही है, वो दिखता नहीं हमको, बड़ा और मंदिर बन जाएगा। तो जब 16 नवंबर 2009 राजकोट में महाराज लास्ट दिन थे, संडे था, तबियत तो डाउन हो गई थी। हमने बॉम्बे में हमारा इस्कॉन का हॉस्पिटल है मीरा रोड में, उधर बुकिंग किया था महाराज जी का बेड का। मैं सुंदर गोपाल दूसरे दिन जाने की तैयारी कर रहा था, कर रहे थे। शाम को 5:30-6 बजे, रविवार की बात है, 5:30 का टाइम था, मेरे को यहाँ के लोकल सरपंच का फोन आया, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, और मेरे को धमकाया उन्होंने कि तुम्हें कौन बोलो छो, बोलो अहिया ना हूँ सेक्रेटरी छू, बोलो शू काम से तुम्हारा, तमे आ जो कंस्ट्रक्शन करो छो आ अनाधिकृत से, हूँ कीधे हूँ बात करी है कि भाई हमें गांधीनगर में અમારી વાતચીત ચાલુ છે, ફાઇનલ સ્ટેજમાં જ છે, પણ એ પાઠ મારવા તૈયાર જ નથી, મને ધમકાવો તો ગયો, અને અહીંયા મારા ગુરુમાની તબિયત ડાઉન હતી, તો મેરે ગુરુમાની તબિયત ઠીક નહીં હતી, તો મેં ઉનકો રિક્વેસ્ટ કર રહા હું કે ભાઈ હમ બાદ મેં બાત કરેંગે, મેરે ગુરુમાની તબિયત ઠીક નહીં, તો ઉન્હોને કહા કે આપકે ગુરુ મહારાજ ગયે ખડ્ડે મેં, ક્યાં સુધો આપણા ગયે ખડ્ડે મેં, और मेरे गुरु महाराज सामने ही बैठे थे, वो समझ रहे कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा वैष्णव फोन रख दे करके, मैंने फोन रख दिया, फिर हम चले गए बॉम्बे। तो मैंने यहाँ पे भूपेंद्र भाई शाह पीड़ व्यक्ति है, उनका सभी लोगों से बहुत अच्छा संबंध था, वो भी उन्होंने भी शरीर छोड़ा भी थोड़े से बैठे, उनको फोन करके कहा बॉम्बे से कि भाई भूपेंद्र भाई आप जल्दी जाओ, इनका फोन आ रहा है, वो धमका रहे हैं। तब हमारा काम नहीं चल रहा था, खाली स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, खाली स्ट्रक्चर खड़ा था, तो वो बोले चिंता मत करना मैं जाता हूँ करके। फिर उस दिन तो गए नहीं सोमवार को, वो मंगलवार को गए मिलने के लिए, और उन्होंने मेरे को फोन किया, उन्होंने कहा कि वैष्णव चमत्कार हो गया, आपके गुरु महाराज तो पावरफुल है। उन्होंने बोला क्या हुआ, क्या कर गया, बोले वो एक्साइटेड थे बताने के लिए। तो बोलते मैं वो सरपंच जा रहे थे उस गांव में मिलने को गया उनको, और मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ रहते हैं किधर रहते हैं, तो कोई मिल नहीं रहा था, पूरे गांव में सुख-सुकाट था, शांति थी। फिर एक व्यक्ति मान मान मिल गया, उसको पूछा भाई ये व्यक्ति कहाँ रहते हैं करके, तो व्यक्ति बोलते मेरे को उपवास इनसे देखने लगा आश्चर्य से। तो मैं बोला क्या हुआ करके, तो बोला आपको पता नहीं, बोलते नहीं क्या हुआ, बोलते आप जिस व्यक्ति को मिलने को आए हैं उस व्यक्ति की कल सोमवार को दोपहर को 2 बजे बहुत निगरून हत्या हो गई, ये मैं आपको बता रहा हूं। संडे को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप खड्डे में जाएंगे गुरुवार, और वो देखिए खड्डे में गए। मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि शुद्ध भक्त कितने पावरफुल रहते हैं। द्वारका में जो हमको मंदिर मिला
तो धर्मशाती उधर लोकल ब्राह्मण केयर टेकर थे, उन्होंने भी हमको धमकाया था हमारे गुरु महाराज को कि जिस गली में से आप अंदर आए जो गेट से उसी गेट से वापिस जाओ या तो आपकी लाश वापिस जाएगी। तो मेरे गुरु महाराज और गुजरात के प्रमुख यशोमती नंदन प्रभु साथ में थे, हमारे गुरु महाराज का एकदम निडर, कोई डर नहीं था, किसी जात का डर नहीं था। उन्हें प्रेम से कहा कि आप द्वारका के ब्राह्मण हैं, आपके हाथ से अगर मृत्यु मिले तो किसका या वो भाग्य है, खाली आप इतनी रिक्वेस्ट आपको कि आप हमको मार डालेंगे, इसके बाद हमारी जो लाश है उसको जलाना मत। वो बोले क्या चल रहा है करके, उसको जलाना मत, उसको आप गोमती नदी में डाल देते। तो और बोला क्यों गोमती नदी डालने का, बोला भाई ऐसे भी हम पुस्तक की सेवा में कुछ काम के नहीं रहे, तो हमारी जो लाश है वो जो मछलियां है गोमती नदी में वो खाएंगे तो उनको खाने में काम नहीं। वो जवाब सुनकर समझ गए कि ये व्यक्ति डरने वाला नहीं। पहले ही दिन हाथ में हमारी प्रॉपर्टी आई और द्वारका नगर पालिका के लोग 5 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस लेके आ गए, अभी तक हमने भरा नहीं। और आप जो जमीन में बैठे हैं इधर ये मंदिर, ये हमने कोई परमिशन ली नहीं है, आज तक कोई परमिशन नहीं है। मंदिर बन गया, जूना मंदिर बन गया, उद्घाटन में हो गया, भगवान यहाँ पे विराजमान हो गए, सब भूमि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम अर्चा विग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट खाली 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। मैं एक किस्सा आपको बताना बहुत जरूरी है प्रभुपाद स्वामी के बारे में, ऐसे बहुत है मेरे को कंटिन्यू याद आ रहे हैं करके, क्योंकि हम मैं घनश्याम दोनों बॉम्बे गए हैं, तो राधा राजभारी के बारे में बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बॉम्बे में जाएंगे तो इस्कॉन का प्रसिद्ध मंदिर है जूह चौपाटी पे, वो टूरिस्ट स्पॉट है बॉम्बे में, रोज जो मुंबई दर्शन बस निकलती है उसमें आखिर का स्पॉट ये इस्कॉन का मंदिर है जूह चौपाटी पे आता है, सब लोग दर्शन करने वो जाते ही वहाँ पे, उधर रोज की गर्दी रहती है, शनिवार रविवार तो वहाँ पे यात्रा भर दिन का क्राउड आता है। तो वह मंदिर बनाने को प्रभुपाद जी को बहुत तकलीफ हुई, कृष्ण ये इजी नहीं है, कृष्ण बहुत परेशान लेता है, उसको हम शरणा कर जाएंगे तो सब प्राप्त हो जाता है। एक बार प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य ब्रह्मानंद समुद्र के किनारे पे चल रहे थे, ये फॉरेनर थे, ड्यूटी फॉरेनर ड्यूटी, और ब्रह्मानंद उनकी ऊंचाई थी 6.5 फुट करी कितने है? याद नहीं, 6.5 फीट थी उनकी ऊंचाई, और ऊंचाई भी थी और शरीर से भी दुष्ट पुष्ट थे। तो समुद्र पर चल रहे थे तो प्रभुपाद ने अचानक ब्रह्मानंद को ऑर्डर दिया, उधर एक केकड़ा जाता, केकड़ा क्या बोलते करचला, वो केकड़ा जा रहा था, प्रभुपाद ने कहा उसको पकड़ कर, ब्रह्मानंद दौड़ के गए और पकड़ने का प्रयास किया, केकड़ा हाथ में आया नहीं और सब करके पानी में अंदर घुस गया, मिला नहीं, और ब्रह्मानंद को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर गए। तो प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद जो 6.5 फीट ऊंचा है ये बढ़िया झाड़ा वो बद्दू, और केकड़ा कितना इतना छोटा केकड़ा था उसको तो पकड़ नहीं पाया, और बाद में तो पकड़ना क्या बोलते शाहरुख खान का डायलॉग क्या मुमकिन नहीं क्या है, नामुमकिन है पकड़ना, क्यों, क्योंकि वो छोटे केकड़े ने जो अफाट विशाल समुद्र है उसका क्या लिया है, आश्रय लिया। इसी तरह माया देवी को स्ट्रॉन्ग है, हमको रोज इंद्र तृप्ति प्रवृत्ति की तरफ खींच के लेके जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप मेल सभी है कि हमको खींचाव करते रहते हैं, उससे अगर हमको बचाव करना है तो ये जो आचार्य ने हमको जो विधि दी है हमारी वैदिक परंपरा, या हमारे पास आप बैठे अकाली हिंदू हमको मिलने को आए सब लोग, आपका स्वागत है, तो ये हमको जानना पड़ेगा कि ये हमारे शास्त्रों में गुरु ने साधु ने हमको क्या दिया,
उसको प्रैक्टिकल समझने का प्रयत्न करना है, समझने के बाद जीवन में उतारने का प्रयास करना है, तब हमको फीलिंग आ सकता है, वो हम समझ सकते हैं। मैं तो हम आके आज के श्लोक में पढ़ा कि मोर के बीच मोर का जो पंख है उसके ऊपर भी आंख रहती है, वैसा हमको हो जाएगा। वो आंख असली नहीं, नकली है ना, वो नकली आंख है। और जो फिर जो भगवान के मंदिर में आप प्रभुपाद लिख रहे हैं, भावार्थ में इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जहां पे भगवान की कथा सेवा हो रही है ऐसे मंदिर में भगवान के रूप गुण लीला इसका उसका संपूर्ण वर्णन हो रहा है ऐसे मंदिर में। तो प्रभुपाद जी को ये बॉम्बे मंदिर बनाने में बहुत तकलीफ पड़ी। मिस्टर नायर करके थी उसकी जमीन थी, वो 4 एकड़ जमीन है। मिस्टर नायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया जमीन बेचने का, बाद में मिस्टर नायर को उससे ज्यादा कोई कीमत दे रहा था, वो घूम गया, झगड़ा चालू हो गया। उन्होंने गुंडे लोग भेजना चालू किया, गुंडे लोग आ रहे थे। एक बात और, मिस्टर नायर ने खुद आके प्रभुपाद को अपशब्द वापरे, धमकाया। और वही मिस्टर नायर जिस दिन उन्होंने प्रभुपाद को आके धमकाया, उसी दूसरे दिन सुबह मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आया और चले गए। म्युनिसिपैलिटी में केस चल रही थी, म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ने को आ गए। तब मंदिर नहीं बना था, पतरे का शेड में मंदिर था। और गिरिराज महाराज थे हमारे ब्रह्मचारी, वहां ब्रह्मचारी थे, अब सन्यासी बने, फॉरेनर डीओटी, 20-21 साल की उम्र थी तब, वो प्रेसिडेंट थे। म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ने को आ गए, भगवान वहां पे विराजमान है छोटे स्वरूप, पतरा तोड़ना चालू किया, सब कुछ तोड़ने तैयारी में थे। उसने उसमें किसी ने अरेंजमेंट किया और बाला साहेब ठाकरे को कॉन्टेक्ट किया। तो बाला साहेब ठाकरे तब सत्ता में नहीं थे, कम्युनिस्ट लोग थे तब, बॉम्बे में राज था कम्युनिस्ट लोगों का। बाला साहेब ठाकरे ने आवाज उठाया, वो तोड़ना बंद हो गया, लेकिन फिर भी मिस्टर नायर के लोग कंटिन्यू त्रास दे रहे थे। एक था पुष्पकांत मात्रे, ऐसा नाम सुना पता नहीं, पुष्पकांत मात्रे इतना खराब था कि उसने चर्चगेट से लेकर विरार तक जितने रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन पे पैम्पलेट बांटना चालू किया, इसको उनकी बदनामी। ये लोग अरे ये देवानंद पिक्चर वाले दम वाले दम मिटा जाए गम, ये लोग CIA एजेंट है। CIA पता है आपको, अमेरिका की जासूस संस्था। कितने आरोप डाले गए और मोर्चे निकाले गए इसको के विरुद्ध। प्रभुपाद तो बॉम्बे में नहीं थे, घूम रहे थे बिचारे प्रचार कार्य में, क्योंकि प्रभुपाद ने 108 मंदिर बांधे उत्तर की उम्र में, अमेरिका जापान सब जगह मंदिर का काम चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद बोलते कुछ भी हो, मेरे को राधा राजगारे के लिए भव्य मंदिर बांधने हम फाइट करेंगे। देखिए पुष्पकांत मात्री की गलती चालू हो गई, गलना थोड़े समय के बाद उसके विरुद्ध उसके ही लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप डाल दिया और उसको उतरना पड़ा सीट में से नीचे। जिन्होंने इस्कॉन के विरुद्ध मोर्चे निकाले थे उसके विरुद्ध मोर्चे निकले, वो भी कैसे, उसके फोटो पे चप्पल का हार लगाया गया। और उससे भी आगे इंटरेस्टिंग है, उसने फिर एक दिन धमकाया कि मैं कल आ रहा हूं, आप जो आपने बांधा ने म्युनिसिपैलिटी में तोड़े मैं मेरे लोगों के तोड़ देंगे। उन्होंने कल बताया और आज सुबह 6 बजे उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाता हूँ, ये 50 पहले की बात है, 50 साल पैरालिसिस अटैक में कमर का नीचे का भाग पूरा गुल कुछ नहीं रहा। फिर पुष्पकांत मात्रे के साथ और एक खराब व्यक्ति था, होता मिस्टर राणे। जब अपना जूना मंदिर तोड़ा जा रहा था तब इंडियन भक्त नहीं थे, सब फॉरेनर ड्यूटी थे,
और ये लेडीज यंग विदेशी अमेरिका में लेडीज थी, यंग यंग सब, उनको राधा राजगीर प्रति बहुत प्रेम था। तो ये रानी है ना, जोर जोर से सब देख के हंस रहा था, तो कुर्सी पर जो तोड़ रहे थे तब, और दांत दिखा रहा था जोर जोर से। और ये माता जी उनको पुलिस ने बाहर पकड़ के खींच के वैन में डाल दिया था पुलिस ने। तब एक माता जी थी, उनका नाम भूल गया मैं, अच्छा नाम है, उन्होंने और राणे को श्राप दिया कि आप भगवान को और भगवान के भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, आप एक दिन जल के खाक हो जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, यदि यही हुआ, मिस्टर राणे एक दिन उसको पागलपन का दौरा आ गया। और मिस्टर राणे की दूसरी विशेषता क्या थी, वो काली विद्या करने में माहिर था, काली विद्या करता था, दूसरे द्वारा करवाता था। तो उसने अपने प्रभुपाद स्वामी की कपड़े की क्या बना बोलते उसको, डॉल, डॉल जैसा, तो क्या बोलते उसको हिंदी में, पुतली, पुतली बनाई थी, पुतला छोटा। और आपने देखा जो ब्लैक मैजिक करते हैं उसको टाचनी द्वारा अथवा ये करते हैं। तो उसने क्या किया कि चलो मैं प्रभुपाद को मार डालूंगा, पुतला बना के सब विधि करके वो कर रहा था। लेकिन ये शुद्ध भक्त पे नहीं चलता है, पूरी विधि उसके ऊपर बुमरैंग हो गई, पूरी की पूरी विधि। और क्या बुमरैंग हुई आपको पता है, अपने राधा राजगीर के लोग भक्त लोग सुबह 4:30 मंगल आरती कर रहे थे, मंगल आरती पूरी हो गई, ये सब सत्य घटना है, ध्यान रखना। 5 बजे का टाइम था उस पर, उनको आवाज आएगा, कोई चिल्ला रहे जोर जोर से, जोर जोर चिल्ला रहे, तो बाकी बाहर जाके देख रहा है तो कोई आदमी पूरा जला हुआ बाहर घूम रहा था। और किधर देखिए, इस्कॉन गेट के सामने आया हूं और उनके सामने ही हो, वो जलते जलते पूरा खाक हो गया, मर गया नीचे। और वो कौन था, मिस्टर राणे। तो ये जो स्वरूप है मूर्ति, ये कोई साधारण नहीं समझना, ध्यान रखना। जिनकी शुद्ध भक्त ने स्थापना की है वो डेफिनेटली, और हम उनके साक्षी है, द्वारका के रुक्मिणी थी, द्वारकाधीश, और रुक्मिणी द्वारकाधीश की विशेषता है, वहां पे कोई नहीं होगा तो भी स्वरूप को सेवा पूरा चलती है, वहां पे कोई नहीं चाहिए। और नील माधव की शुद्ध भक्त द्वारा स्थापित हुआ, पूजा चल चल चाहिए, पुजारी शुद्ध भक्त स्थापित की है। तो बहुत सारी चीजें बोलने जैसी है, अभी आरती का समय थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आरती करेंगे हम लोग और कीर्तन भी करेंगे। आपने सबने सुना, तो इससे हमको सार क्या लेना है, भगवान का अर्चन विग्रह मिराकल के लिए नहीं है, चमत्कार के लिए नहीं है, वो चमत्कार तो अपने आप करते रहते हैं। भगवान के अर्चन विग्रह हमारे हृदय में जो मलिनता है उसको क्लीन करने के लिए, अपना हृदय में जो मलिनता चाहिए यदि स्वच्छ करो मटे आप भगवान की पूजा अर्चा चाहिए, जेनाथी आपनो हृदय स्वच्छ थी जाए और भगवान तरफ आपको आकर्षण वे, भगवान तरफ प्रेम वे, भगवान तरफ भाव वे, इना माटे आप पूजा अर्चा चाहिए। निज लाभ पूर्ण रहवात मनो, भगवान पूर्ण है ये कहीं जरूरत नहीं, अपना फायदा माटे आ बड़ी वस्तु है। तो तमें जरूर आता रहो, अँ आरती में भाग लीजो, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करजो, अमरा प्रभुपाद स्वामी बुक्स पुस्तक वाँचो, तो तुम्हारा जीवन में कल्याण करते। श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। गौर पे मंत्री हरि गो जय। श्री जापो की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।